बनाने जा रहे हैं सूजी और दही का बेहद ही आसान और गजब का टेस्टी नाश्ता सैंडविच मसाला ढोकला। साथ में होगी मसालेदार चटपटी हरी मिर्च जो ना सिर्फ आपके ढोकले को बल्कि आपके किसी भी खाने को बना देगी जायकेदार। तो चलिए शुरू करते हैं मिर्च बनाने से। मैंने यहाँ 8 से 10 मोटी वाली मिर्च ली हैं। ये थोड़ी कम तीखी होती हैं। इनको हम बीच से ऐसे काट लेंगे। ये मिर्च बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे ही मैंने सारी मिर्च को काट लिया है। अब इन मिर्च को हम एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद नमक और 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर, जिसको हम खटाई भी बोलते हैं, और डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ। इसमें 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ सरसों का तेल। आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर सरसों के तेल का स्वाद इस मिर्च में बहुत अच्छा लगता है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाला अच्छे से मिर्च में चिपक चुका है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये मसाला अच्छे से मिर्च में मैरिनेट हो जाए। तब तक हम ढोकले का बैटर रेडी कर लेंगे। ढोकले के लिए हमने 2 कप दही लिया है। अगर दही थोड़ा खट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच खाने वाला सोडा और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखिए दही अब काफ़ी लाइट हो चुका है और फूल गया है। यहाँ मैंने करीब 1.5 कप सूजी ली है। इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। मैंने यहाँ जो सूजी ली है वो रोस्टेड सूजी है। मैंने उसको धीमी गैस पर करीब 10 से 12 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट किया था। सूजी को जनरली सब लोग फ्रिज में स्टोर करते हैं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो, लेकिन अगर आप उसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तो फ्रिज के बिना भी वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी। वैसे आप अनरोस्टेड सूजी भी ढोकले में यूज़ कर सकते हैं। चलिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी थिक होनी चाहिए। मेरी करीब यहाँ पे 1/4 कप सूजी यूज़ हुई है। दही की थिकनेस के हिसाब से आप थोड़ी सूजी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ढोकले के लिए कोई भी एल्युमिनियम या स्टील का मोल्ड किसी भी शेप का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड एल्युमिनियम का मोल्ड यूज़ करूँगी। इसको हमें अच्छे से घी या ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब इसमें हम बैटर डालेंगे। इसको हमें 3/4 ही फिल करना है। बैटर को लेवल में लाने के लिए हम इसको हल्का सा टैप करेंगे। यहाँ मैंने कुछ वेजीज ली हैं। ये हैं अनियन, जिनको मैंने स्लाइस करके उनके रिंग्स अलग किए हैं। ये मोटी वाली मिर्च हैं, ये चुकंदर के बारीक लच्छे और ये शिमला मिर्च। अब इन वेजीज को हम बैटर के ऊपर लगा देंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग्स ले सकते हैं, जैसे रेड येलो कैप्सिकम, कॉर्न्स ले सकते हैं आप, बेबी कॉर्न्स ले सकते हैं। चुकंदर की जगह आप गाजर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए ढोकला हमारा सजकर तैयार है। अब इसको पकाते हैं। यहाँ मैंने एक कुकर लिया है। आप कोई भी पतीला, कढ़ाई या इडली कुकर भी ले सकते हैं। मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला है और इसके बीच में एक रिंग रखा है। इसके ऊपर हम अपना ढोकला रखेंगे। इसको हम ढक कर तेज गैस पर करीब 20 मिनट पकाएंगे। जब तक हमारा ढोकला पकता है तब तक चलिए हम अपनी मिर्चों को फाइनल टच देते हैं। हमने एक पैन लिया है। इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। आप अपनी पसंद का कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने ऐड किया है 1/4 टीस्पून हींग और 1.5 टीस्पून राई। राई अब अच्छे से चटक गई है। अब हम इसमें अपनी मसाले वाली मिर्च डालेंगे। इनको एकदम सिम गैस पे हमें अच्छे से मिक्स करना है। इनको बस हम 1 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। देखिए एक एक मिर्च में अच्छे से मसाला कोट हो चुका है। इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि मिर्च थोड़ी क्रिस्प ही अच्छी लगती है। बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ढककर रख देंगे। मिर्च हमारी रेडी है। चलिए अब अपना ढोकला देखते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। इसको बहुत ही केयरफुली हमें निकालना है और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे।
ठंडा होने के बाद इसके कॉर्नर्स को ऐसे हम किसी नाइफ से लूज कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे और इसको फ्लिप कर देंगे। अब एक और प्लेट हम इसके ऊपर रखेंगे और दोबारा फ्लिप करेंगे। अब एक नाइफ से इसे बीच से दो पार्ट में काट लेंगे। ऊपर वाले पार्ट को हम अलग प्लेट में निकाल के रख देंगे। नीचे वाले पार्ट में हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। ये नॉर्मल हरे धनिये की चटनी है जो जनरली हम सभी के घरों में बनती है। इसके इंग्रेडिएंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे ग्रेट किया हुआ पनीर। पनीर की जगह आप फ्रेश कोकोनट को भी ग्रेट करके यूज कर सकते हैं। ढोकले के दूसरे पार्ट में हमें लगाना है टमेटो केचप, तो इसको हम पलट देंगे और इसके ऊपर लगाएंगे टमेटो केचप। अब ढोकले के पहले पोर्शन के ऊपर हम सेकेंड पोर्शन रख देंगे और अब हम बनाएंगे इसके ऊपर लगाने के लिए हींग और राई का तड़का। इसके लिए एक पैन में हमने लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल। इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून राई। राई चटकने लग गई है। अब इस गरम गरम तड़के को हम अपने ढोकले के ऊपर डालेंगे। बस ढोकला हमारा रेडी है। बस अब इसको हमें कट करना है और सर्व करना है अपनी तीखी मसालेदार मिर्च के साथ। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए और वुडन स्पून को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय।